ठीक है ना। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बताइए। ठीक है ना, ये मान लो आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल एट बी, ठीक है ना। अगर यहां पर अगर कोई यहां से ऑब्जर्व करता है, यहां से अगर ऑब्जर्व करता है, इस वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो जो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन जिस पॉइंट से आप ऑब्जर्व करते हो उसके साथ जो लगी हुई साइड होती है उसको बेस बोलते हैं, और जो उसकी ऑपोजिट वाली साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये आपका हाइपोटेन्यूज, सही है ना। तो अगर मैं बेस को बी ले लूं, इसको पी ले लूं और इसको एच ले लूं, तो आपको पता है कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पाइथागोरस स्क्वायर, ठीक है ना। यानी अभी तक क्या है, हमारे तीनों साइड्स में एक रिलेशन है और तीनों एंगल्स में भी एक रिलेशन है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये दो रिलेशन तो हमारे पास है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई भी रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हुआ जो एंगल्स और साइड में को रिलेट कर सके, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री वो प्रयास है कि जब हम लोग एंगल्स को साइड्स के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इंट्रोड्यूस किए, ठीक है ना। अब ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा, इसको नाम दे दिया साइन ऑफ दिस एंगल, साइन थीटा दे दिया इसको, ठीक है ना। और उसी तरह से ये बेस और हाइपोटेन्यूज को की रिलेशन को हमने कॉस थीटा बोल दिया। तो एक्चुअली ये इन रेशियोज के ही नाम है। उसी तरह से अगर मैं पी बाई एच बोलूं तो ये आपका टेन थीटा हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैं यहां पर एच बाई पी बोलूं, उल्टा कर दूं उसको, तो ये कोसेक थीटा हो गया। और इस वाले रेशियो को मैं उल्टा कर दूं, पी बाई बी है क्या, हाँ ये वाला पी बाई सर टेन थीटा, हाँ ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं ये इसको उल्टा कर दूं, एच बाई बी कर दूं, तो कोसेक उल्टा हो जाएगा, तो ये सेक थीटा हो गया। इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं ये बी बाई पी कर दूं, तो आपका ये कॉट थीटा हो गया, ठीक है ना। तो इन साइड्स के जो रेशियोज होते हैं उन्हीं को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, और पी अपॉन एच के लिए हमने साइन थीटा, और ये थीटा आपका ये एंगल हो गया और ये साइड की लेंथ होगी। तो साइड और एंगल्स के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब एक्चुअली ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं, साइन कॉस ये सब शॉर्ट फॉर्म है, इनका फुल फॉर्म भी आपको बताता हूं क्या है, ठीक है ना। ये एक्चुअली साइन जो है ये एक्चुअली ये है साइन थीटा, कॉस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री का को उठा लिया और साइन का एस उठा लिया, तो कॉस थीटा हो गया। तो कॉस थीटा को आप कैसे बोलते हो, ये बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो कोस स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ। उसी तरह से टेन थीटा एक्चुअली
टेंजेंट ऑफ थीटा है और आपका कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, ये सी उठा लिया और टेंजेंट का टी उठा लिया तो कॉट थीटा बन गया कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। उसी तरह से जिसको हम सेक थीटा बोलते हैं वास्तव में वो पूरा इसका फुल फॉर्म सिकेंट थीटा है और इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे ठीक है ना, ये आपका सीओ उठाया को और ये एक्स, अभी ऑलरेडी कॉस तो एक पांच ले लेते हैं तो कोसेक थीटा हो जाता है ठीक है ना, और ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा, ये साइन थीटा का इसका केवल स्टार्टिंग के तीन लेटर लेते हैं तो ये साइन थीटा हो गया, इसके स्टार्टिंग के तीन लेटर लेते हैं तो ये टेन थीटा हो गया, इसके स्टार्टिंग के तीन लेटर लेते हैं तो ये सेक थीटा हो गया, तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये आपका फुल फॉर्म हो गया इनका ठीक है ना। और आपको ये याद हो जाना चाहिए कि साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, टेन थीटा होता है पी बाई बी, कॉट थीटा होता है बी बाई पी, सेक थीटा होता है आपका एच बाई बी, कोसेक थीटा आपका होता है एच बाई बी, यहां से आपको ये आपको लर्न करना पड़ेगा सर। एच बाई पी कॉट थीटा कहां पर है, एच बाई बी, हाँ कॉट थीटा आपका हो जाएगा बी बाई, सही है। रेसिप्रोकल रिलेशंस ठीक है ना, तो रेसिप्रोकल रिलेशंस आपको ये बोलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज वन ठीक है ना, ये आपका पहला रेसिप्रोकल रिलेशन। दूसरा आप बोल सकते हो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, इसको आप बोल सकते हो फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज वन, और बाकी बचा तीसरा वाला टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, इसको आप लिख सकते हो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज वन, तो ये आपके तीन रेसिप्रोकल रिलेशंस हो गए ठीक है ना। दूसरा आपको पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस का मतलब है कि साइन थीटा इज सेम एज कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा दोनों सेम चीज है ठीक है कि नहीं, क्योंकि थीटा का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा होता है और साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है, तो ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया और एंगल को भी कॉम्प्लीमेंट कर दिया है। ये इसका प्रूफ भी देख सकते हो आप, अगर इसको मैं पी लूं, इसको बी लूं, इसको एच लूं और ये वाला एंगल आपका सपोज करो थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, सही है ना। अब यहां पर से आप देखो साइन थीटा फ्रॉम द फिगर, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अच्छा यहां से देखो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इस वाले एंगल को, अब इस वाले एंगल के लिए ये बेस है ध्यान रखिएगा,
आपका एंगल अगर ये है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस कोई फिक्स नहीं होता, वो एंगल पे डिपेंड करता है। अगर आपने ये एंगल पे, अगर आप इस एंगल पे हो तो ये परपेंडिकुलर, इस एंगल पे हो तो ये परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के लिए ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इस एंगल के लिए 90 माइनस थीटा के लिए। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस एंगल के लिए बेस है पी और हाइपोटेन्यूज, तो फिर हाइपोटेन्यूज ही है। देखो तो साइन थीटा पी बाई एच और कॉस 90 माइनस थीटा भी पी बाई एच। यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, ठीक है ना। साइन और कॉस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, वो एस्टेब्लिश हो गया। यानी ये आपको मैं ये बताऊं, इसको लिख लो, यहां बताता हूं मैं एग्जांपल के लिए। साइन 15 डिग्रीज कॉस किसके इक्वल होगा, 90 माइनस 15 75 के इक्वल होगा। साइन 15 कॉस 75 के इक्वल होगा। अब मैं बोलूं कि साइन 60 किसके इक्वल होगा, तो साइन 60 इक्वल होगा किसके, कॉस 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री के इक्वल होगा। अब आगे देखोगे इसको, ठीक है ना। सिंपल यहां से आपको कॉम्प्लीमेंट, जब हम साइन थीटा की बात करेंगे तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर बेस, जब इसकी बात करेंगे तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस में ये तो हो गया पहला वाला। दूसरा आप ये ले सकते हो कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तीसरा टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। चौथा कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ये आपके बाकी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस हो गए। याद करने में बहुत सिंपल है, एक को लगा हुआ है ना, को को टेन कॉट कोटेंजेंट, कोटेंजेंट टेन, सेक कोसेक, कोसेक सेक, हो गया। नाम है स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन रिलेशंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना, तीन रिलेशंस मिलेंगे। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। दूसरा आपको मिलेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा आपको मिलेगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके तीन स्क्वायर रिलेशंस हो, ठीक है ना। अच्छा चलिए प्रूफ, फर्स्ट वाले का प्रूफ करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इसका प्रूफ करें। आपने ट्रायंगल लिया, ये आपका थीटा है, ठीक है ना। यहां से आपने साइन थीटा लिया, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहां से फिर आपने कॉस थीटा निकाला, कॉस थीटा, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से आपने निकाला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। यहां से आपने कॉस स्क्वायर थीटा निकाला, ये हो गया बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया आपने, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ऐड कर दो इसको ए बी स्क्वायर अपॉन
AC square plus BC square upon AC square. ये आपका AC square नीचे, ऊपर हो गया AB square plus BC square. अब देखो पाइथागोरस थ्योरम, AB square plus BC square equal to AC square. ये AC square by AC square दोनों कट के आपका one. यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन फॉर एनी एंगल. एंगल चाहे कुछ भी हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका वन हो. ठीक है कि नहीं? बस सिंपल, साइन थीटा की जगह पर एक परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लगा दिया, स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया ये लाने के लिए, और ये सॉल्व किया तो उसको वन आ गया अपने आप ही. ये आपका पहला वाला प्रूफ था. ठीक है ना? हाँ, अगला देखते हैं. सेकंड वाला देखो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. वन लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वन प्लस 10 square theta equal to 1 plus, और 10 theta कितना होगा है? यहां से अगर आप देखोगे 10 theta equal to perpendicular AB upon base BC, ये हो गया AB का square upon BC का square, तो ये हो गया BC square plus AB square upon BC square. तो BC square plus Pythagoras theorem से AC square by BC square, तो AC upon BC का whole square. अब AC hypotenuse upon base होता है sec theta. तो ये 1 plus 10 square theta equal to, finally 1 plus 10 square theta equal to sec square. ठीक है नहीं? सिमिलरली आप थर्ड वाले को भी कर सकते हो बिल्कुल सेम तरीके से. वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. वन प्लस cot square theta equal to 1 plus cot theta base upon perpendicular BC upon AB the whole square, because cot theta आपका हो गया BC upon AB base upon perpendicular इसके respect में. तो ये बन गया आपका 1 plus BC square by AB square. LCM लोगे तो AB square plus BC square by AB square. AB square और BC square वापस बन गया AC square by AB square equal to AC upon AB का whole square. Hypotenuse by perpendicular, AC आपका hypotenuse हो गया, AB आपका perpendicular हो गया, ये हो गया cosec theta square. Therefore 1 plus cot square theta equal to cosec square. या कितनी आइडेंटिटी. सही है ना? ये अच्छा एक तरीका, ये तो हो गया ज्योमेट्रिकली है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो. देखो ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो. फ्रॉम फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा.
तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर, cos square theta हो गया 1, और 1 upon cos होता है reciprocal identity से sec square, हो गया पहले वाले से second वाला proof हो गया, ठीक है ना, पहले वाले से second वाला होगा. third वाले के लिए sin square theta plus cos square theta equal to 1 divide both sides by साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, वन को भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, ये कट के वन हो गया, और कॉस अपॉन साइन आपका, कॉस अपॉन साइन आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन हो गया कोसेक स्क्वायर, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना. ये स्क्वायर आइडेंटिटीज आपके तीन है, घूम फिर के नौ बन जाते हैं, है ना. आपको इफ साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू find cos theta, sec theta and tan theta, ये तीनों निकाल लो, ठीक है ना. एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है आपको, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालने होते हैं, ठीक है ना. देखो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, साइन थीटा है आपके पास, साइन थीटा आपके पास है, ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इसका इस्तेमाल कर देंगे. तो ये हो गया वन बाई फोर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस वन बाई फोर, तो cos square theta equal to 3 by 4, तो यहां से cos theta equal to root 3 by 2, ठीक है ना, cos theta आपका root 3 by 2 होगा. अब यहां पर देखो sin theta आपके पास है, sin theta और cos थीटा को डिवाइड कर दो, sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड कर दो, तो ये 1 अपॉन रूट 3, और आपको पता ही sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा होता है, tan थीटा गया, cos को रेसिप्रोकल कर दो, जो cos है cos का रेसिप्रोकल कर दो sec थीटा, ये आपका 2 बाय रूट 3 हो गया, ठीक है ना. cos थीटा ये रहा, sec थीटा ये रहा, tan थीटा आपका ये रहा. आगे एक तरीका आपका ये है, एक तरीका और है, देखो यूजिंग ज्योमेट्री है, यूजिंग ट्रायंगल, हम क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर अपना एंगल मार्क करते हैं थीटा, ये ट्रायंगल का नाम दे दें, और यहां पर देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपका जो परपेंडिकुलर हो गया वो वन, वन लैम्डा, वन कुछ लिख लो, वन के लिख लो, रेशियो है ना, और हाइपोटेन्यूज आपका हो गया कितना 2k, ये रेशियो है,
ये 1k और ये 2k. Therefore, using Pythagoras, थ्योरम, तो जो आपका BC का स्क्वायर होगा वो होगा 2k का हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3, ठीक है ना, 3k स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3k, ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 3k. बस अब cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन रूट 3k अपॉन 2k, कट गया रूट 3 बाई 2. tan थीटा इज इक्वल टू 1k अपॉन रूट 3k, k कट गया 1 बाई रूट 3. और क्या बोला था इसमें, sec थीटा, sec थीटा हो गया हाइपोटेन्यूस बाई बेस. इफ tan थीटा इक्वल टू 5 बाई 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ all other trigonometric ratios, ठीक है ना, ऐसे करके क्वेश्चन आता है. ठीक है ना, मेथड 1 हम यूजिंग ट्रायंगल कर लेते हैं. तो ट्रायंगल बनाया आपने, आपने राइट ट्रायंगल बनाया, एंगल मार्क कर दिया यहां पर, आपको दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 5 बाई 12 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस. तो आपका जो परपेंडिकुलर हो गया वो 5 लैम्डा हो गया, बेस हो गया वो आपका 12 लैम्डा. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि AC आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 12 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू 169 लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 लैम्डा. देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 5 बाय 13, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस 12 by 13, tan theta तो ऑलरेडी है ही, बाकी सब आप निकाल सकते हो. cosec theta हो जाएगा 13 by 5, sec theta हो जाएगा आपका 13 by 12, cot theta आपका हो जाएगा 12 by 5, बस हो गया. tan theta तो ऑलरेडी है ही, ऊपर दिया ही हुआ है, तो tan theta आपको दिया हुआ है 5 by. ये तो हो गया method. मेथड 2, अब 10 दिया हुआ है तो 10 वाली आइडेंटिटी, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो 5 बाई 12 है तो 25 बाई 144 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा 169, तो हो गया 13 by 12 equal to sec theta. ये आपका sec theta हो गया. sec theta का reciprocal कर देंगे, cos theta आएगा, sec theta का reciprocal कर देंगे, तो cos theta आ गया 12 by 13. tan theta का reciprocal कर देंगे, ये ऊपर tan theta ही दिया हुआ है, उसका reciprocal कर देंगे, तो cot theta आ जाएगा.
सही है ना। और आप चाहो तो cot थीटा से cosec निकाल लो या cos से sin निकाल लो, आपकी मर्जी है। cos से sin निकल आएगा ये वाले से, है कि नहीं? तो sin square theta equal to 1 minus cos square theta, तो ये हो गया 1 minus 144 by 169, तो ये हो गया 25 by 169, यहां से आपका sin theta आ गया, 25 का हो गया 5, 169 का हो गया 13, sin theta 5 by 13, ठीक है ना। और रेसिप्रोकल कर दो इसका, थर्टीन बाई फाइव को सेक आ जाएगा सीधी। ये आपके दो तरीके हैं।